हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सादा ब्लाउज की सिलाई बताऊंगी, किस तरीके से ये सिलाई की जाती है सादा ब्लाउज पर। ये मैं पिलोटर पर निशान लगा रही हूँ, थोड़ा गहरा सा, मुझे दोनों पार्ट पर लगाना है इसलिए। इस तरीके से दोनों पार्ट मैंने रख के ये निशान लगाना है। अब मैं प्लेट डालूंगी। इस तरीके से प्लेट डालनी है। थोड़ा प्लेट की नोक बना के ही डालनी है, थोड़ा क्या इससे थोड़ा अच्छा सा ब्लाउज का लुक आता है इसलिए। ये मेरी दोनों ब्लाउज के आगे वाले पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं पीछे वाले ब्लाउज की डालूंगी, पीस की डालूंगी। ये मेरे हैं, पीछे वाला पार्ट है ब्लाउज का। इस तरीके से उसमें दो ही प्लेट पड़ती है। ये मेरी डल चुकी है दो प्लेट भी। अब मैं शोल्डर जोड़ रही हूँ, मुड्डे भी बोलते हैं इनको। ये मेरी बाजू है, अब मैं बाजू रेडी करूँगी। पहले मैं पट्टी लगा रही हूँ ब्लाउज की, इसे बढ़ेमा पट्टी बोलते हैं। सीधे की तरफ रखी थी मैंने, उल्टी की तरफ मोड़ा है इसे। इस पर हमारी आई बनेगी, ये ब्लाउज की आई बनाते हैं हम। मैंने आई बनाना भी सिखाया है वीडियो में एक में। देखो इस तरीके से लगे, ये बढ़ेमा पट्टी बोलते हैं इसे। अब लगाएंगे हम हुक वाली। ये डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है मैंने। इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लें ऊपर से भी। देखो मेरी दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब मैं बाजू तैयार करूँगी। बाजू में मैं इसलिए कपड़ा लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइट ना रहे बगल से। इसको चिड़िया भी बोलते हैं। इस तरीके से कपड़ा लगा रही हूँ मैं। अब इसे फोल्ड करूँगी आगे। इस पर तुरपन करनी है इसलिए मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इस पर सिलाई कच्ची चला रही हूँ।
दोनों बाजू मेरी रेडी हो चुकी हैं। सात की, 7.5 की लंबाई है मेरे बाजुओं की, 7 इंची, 5 इंची इसकी नीचे की लंबाई है, 6 इंची। अब ये थोड़ा छांट इसलिए लगाते हैं, ये छांट जो आगे आना चाहिए, बाजू में भी लगता है और ब्लाउज में भी लगता है, आगे वाले पार्ट पर ब्लाउज के पे। और जो मैंने कट लगाया है ये शोल्डर की जो सिलाई है कट पे ही आनी चाहिए इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीके से मैं सिलना बता रही हूँ, अगर आप मेरी तरह सिलोगे तो ब्लाउज गलत नहीं होगा। नाप अपने हिसाब से रखें पर अपनी ब्लाउज का। दोनों बाजू देखो मैंने आपको लगाना बताया है किस तरीके से लगानी है। मेरी दोनों बाजू लग चुकी हैं ब्लाउज में। ये मुझे फोल्ड करना है ना पीछे का, इसलिए मैं 14 तैयार रखना है मुझे ब्लाउज। ये भी, इस पर भी तुरपन होती है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मोड़ सकते हो पर मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। ये मैं अलग अलग इसलिए मोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा फिटिंग देने में अगर थोड़ा ढीला टाइट होता है। अब मैं आगे का फोल्ड करूंगी। इस तरीके से मैं अलग अलग फोल्ड कर रही हूँ। मैं सी पहले मैंने सीधे की तरफ सिया था, अब मैं उल्टी की तरफ दबा रही हूँ, इसलिए यह इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा ब्लाउज का लुक अच्छा सा आ जाता है इस तरीके से। मुझे फिटिंग 6 पे चाहिए, 6.5 इंची पे। आप अपने हिसाब से देख लो कम बर्थ, मतलब आप बना रहे हो जिस उसी नाप से लेना। मैं तो बार बार नाप के और बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं फिर से कह रही हूँ, आसान तरीके से ही ब्लाउज बता रही हूँ।
अब इसकी फिटिंग नाप रही हूँ मैं कितनी है। मुझे 31 ही चाहिए थी। अब मैं गले पे पट्टी लगाऊंगी। थोड़ा देखो पट्टी कैसे काटनी चाहिए, जहाँ से कपड़ा खिंच रहा हो, थोड़ा तनाव हो कपड़े में इस तरीके से। तो मेरा इधर की साइड खिंच रहा है, तिरछी पट्टियाँ निकालनी चाहिए गले के लिए। मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, अंदर तुरपन वाला बनाऊंगी इसे इस तरीके से जोड़नी है। अब मैं ब्लाउज पे लगा रही हूँ इस तरीके से, देखो ब्लाउज की दोनों पट्टियों को पहले नाप लें आपकी अपनी कि थोड़ी बड़ी छोटी भी हो जाती है। अब देखो रखना ऐसे इस तरीके से मोड़नी है ये गले की पट्टी, बराबर ही कपड़ा लें दोनों ब्लाउज का और पट्टी का। अब इसको मैं नीचे की साइड ही फोल्ड करूँगी जैसे मैंने आगे का किया था, सेम दोनों आगे पीछे के पीस दोनों इस तरीके से ही फोल्ड करने हैं इसमें। अब इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से दबा के। इस पर मैं गले पे तुरपन करूँगी, ये तुरपन वाला है पाइपिंग वाला नहीं है। इस तरीके से ये मेरी पट्टी लग चुकी है। अब ये थोड़ा ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है हम इसे निकाल देते हैं। ये कपड़ा निकल चुका है हमारा एक्स्ट्रा। अब ये ब्लाउज मेरा पूरी तरह से रेडी है, सिर्फ इसमें हाथ का तुरपन वगैरह करना है। ये देखो